इफ्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तारिक फतेह साहब ने समझाया कि बुर्के का इस्लामिक सिविलाइजेशन से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं, तो हम अपनी माओं की पाँव में बेड़िया क्यों डाल रहे हैं, अपनी बहनों के सर पे हिजाब क्यों डाल रहे हैं, मुझे बताइए इफ्रा। जी जी, देखिए दीपक भाई, पहली बात तो आपका ये अजम्पशन कि जो भी महिला हिजाब लगा रही है या बुर्का लगा रही है उस पे ये थोपा गया है, ये गलत है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी मर्जी से हिजाब लगाती हैं। थोपा ही गया है? हाँ, ऐसा नहीं, जी जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा सही हो सकता है कि किसी महिला पे हिजाब या बुर्का जो है थोपा गया हो, लेकिन हमारे पास ऐसी भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां महिलाओं पे शादी भी थोपी जाती है कि महिला शादी नहीं करना चाहती है, उसको शादी करवाई जाती है। उसका ये मतलब नहीं दीपक चौरसिया जी कि शादी को बैन कर दें। इसी तरह बुर्के के साथ आपके कुछ भी इख्तलाफ हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपको बुर्के की प्रैक्टिस पसंद नहीं, आप कह सकते हैं कि ये इस्लामिक नहीं, ये कल्चरल है, ये डिबेट चल सकती है, लेकिन आप एक महिला पे ये चॉइस नहीं थोप सकते कि नहीं तुझे बुर्का लगाना है, या आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तुझे बोलूंगा कि तुझे बुर्का नहीं लगाना है। अल्टीमेटली ये एक महिला की चॉइस होनी चाहिए कि क्या वो बुर्का पहनेगी या नहीं पहनेगी, या जिस तरीके से भी वो अपने कपड़े पहनना चाहती है उसको इस बात का फ्रीडम होना चाहिए। दूसरी बात, पिताजी ने बोली की 21वीं सदी में बुर्का का क्या काम, आज जब महिला चांद पर जा रही है, मैं इफ्रा में बड़ा सिंपल सवाल है, आज जब महिलाएं चांद पर जा रही है क्या चांद पर बुर्का पहनकर जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किस सदी में घूंघट का क्या काम, लेकिन इसका क्या मतलब है? जो महिला किसी गांव में घूंघट अपनी मर्जी से लगा रही है, आप उसका घूंघट हटा दीजिए। देखिए आप उसका घूंघट उतार दीजिए, आप करेंगे कि क्या काम है तेरे घूंघट का? ये उस महिला का अधिकार होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहती हूँ, तारिक फतेह जी ने बात की थी सिक्योरिटी कंसर्न की, उन्होंने कहा था कि इससे सिक्योरिटी, जब एक इंसान अपना फेस छुपाता है नहीं पता चलता वो आदमी कौन है। भाई वो तो कोरोना के काल में हम सभी लोगों ने मास्क लगाया, वो तो आराम से एक दो मास्क लगाया, जो करना कर सकता है। सामाजिक बुराई के साथ इक्वेट करना चाहिए, मास्क हटाना पड़ेगा आपको। ये झूठ का धंधा बंद करो बीबी, ये कब तक अपोलोजेटिक आप रहेंगी? आप कह रही कि लोग बुर्का अपनी मर्जी से पहनती है, absolutely terrorism है ये। Are you saying कि हर कोई महिला जो है बुर्का पहनेगी उसको जबरदस्ती पहनाया जाता है? नेवट में पहने, मेरी 90 साल की नानी बुर्का पहनती है, मेरी 90 साल की नानी को मेरे घर में कौन बुर्का पहनाता है? प्लीज बता दीजिए तारिक फतेह जी, आप मेरे घर आइए, मेरी 90 साल की नानी बुर्का पहनती है, मेरे 90 साल की नानी को कौन जबरदस्ती बुर्का पहनवाता है आप बता दीजिए। यहाँ पे आप इंक्वायरी कर लीजिए, क्या मैं अपनी 90 साल की नानी का बुर्का उतरवाऊँ और उसको कहूँ नहीं अब तू इस बुर्के से टेररिस्ट बन गई है, उसको कहूँ कि तू अब इस बुर्के से टेररिस्ट दिखती है, अब तेरा और 9/11 का कोई कनेक्शन है? आप मुसलमानों को अपनी नानी को इस्तेमाल मत करें, क्यों जोड़ते हैं? आप झूठ बोल रही हैं, आपको पता है, आपको पता है कि क्या हो रहा है, आपको सब पता है, लेकिन ये झूठ बोल रही हैं। आपकी नानी स्कूल गई क्या? झूठ 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 लगा रखा है आपने। आपकी नानी स्कूल गई? आप कहते हैं कि जो भी बुर्का लगाता है उस पे थोपा जाता है, आपने कोई सर्वे किया है क्या? आपने कोई सर्वे किया है? कौन सा सर्वे किया है दिखाइए। मैं आपसे बताऊं, एक जमाना था कि तवाइफ सिर्फ पहनती थी।